कैसा लगेगा जब आपको पता लगेगा कि किसी और यूनिवर्स में आपका एक और वर्जन है, आपका एक ऐसा वर्जन जो कुछ भी हो सकता है। सोचिए आपका एक ऐसा वर्जन हो जिसमें आप बैटमैन हो या सुपरमैन, या सोचिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो पर देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हुए। एक मल्टीवर्स में ये सब कुछ और इससे भी कई ज्यादा मुमकिन है। एक मल्टीवर्स क्या होता है? क्या ऐसा कुछ भी होना मुमकिन है? और क्या ये मुमकिन है कि आप अपने जैसे दिखने वाले उस शख्स से मिलें? आप देख रहे हैं हिंदी फ्यूजन टीवी और आज हम जानेंगे कैसा होगा जब आपका खुद का एक कॉस्मिक ट्विन हो। वैसे ये कॉस्मिक ट्विन होता क्या है? एक कॉस्मिक ट्विन एक ऐसा शख्स होता है जो ठीक आपकी तरह लगता है। इनके पास आपके जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे ही ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, लेकिन ये एक बिल्कुल ही अलग जिंदगी जीते हैं। ना सिर्फ ये अलग तरह से जीते हैं बल्कि ये एक बिल्कुल अलग यूनिवर्स में रहते हैं। लेकिन रुकिए, मुझे लगा इनका सिर्फ एक ही पीस है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि यूनिवर्स का मतलब है हर वो चीज जो स्पेस में मौजूद है, लेकिन असल में यूनिवर्स सिर्फ वो चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। हमारे देखने वाले यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस लगभग 47 अरब लाइट ईयर्स के बराबर है। इसका मतलब है कि जहां तक हम देख सकते हैं, पर यूनिवर्स तो लगातार बढ़ रहा है। तो असल में कौन जानता है वहां और क्या क्या है? स्पेस की कोई सीमा नहीं है और उसके साथ साथ कई अनगिनत संभावनाएं भी हैं। 1950 के दशक से फिजिसिस्ट की थ्योरी है कि दूसरे यूनिवर्स भी हो सकते हैं। ऐसे कई थ्योरीज है जो बताती है कि ये यूनिवर्स क्या हो सकते हैं और इनमें और हमारे यूनिवर्स में क्या मेल है। एक थ्योरी में बबल यूनिवर्स आते हैं और इसमें हमेशा चलने वाले फैलाव से जुड़ी थ्योरी की बात होती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये थ्योरी पूरे स्पेस और टाइम के बिग बैंग होने की बात करती है। हमारा बिग बैंग 13 अरब साल से भी पहले हुआ था, लेकिन हो सकता है कि पूरे स्पेस में अब भी कुछ बिग बैंग्स हो रहे हो। इससे कई यूनिवर्स बनते हैं और वो यूनिवर्स शायद और भी यूनिवर्स बना रहे हो। हो सकता है किसी और दुनिया पर कुत्ते राज कर रहे हो और हम इस बात को इसलिए तय नहीं कर पा रहे हैं कि और दूसरे यूनिवर्स भी है, क्योंकि ये इतने दूर है कि हम इन्हें देख नहीं सकते, तो हम बस जानते नहीं है। एक और थ्योरी है जिसके मुताबिक जितना हम सोचते हैं स्पेस उससे कई बड़ा है। इसके हिसाब से हमारा यूनिवर्स एक 3D ऑब्जेक्ट है जो एक बड़े स्पेस में तैर रहा है, जिसके एक दर्जन डायमेंशंस होने भी मुमकिन है। और इसके साथ दूसरे यूनिवर्स है जो हमारे यूनिवर्स के ऊपर और नीचे एक ढेर की तरह रखे हुए हैं। दूसरे यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की तरह भी हो सकते हैं या पूरी तरह अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका एक कॉस्मिक ट्विन ना हो, बल्कि आप जैसे कॉस्मिक ट्रिपलेट्स यानी तीन, या कॉस्मिक क्वाड्रेट्स यानी चार हो। आपके जैसे कई सारे हो सकते हैं, हर यूनिवर्स में एक। इनमें से एक अच्छा इंसान भी हो सकता है और दूसरा कोई बुरा भी हो सकता है। आपका कॉस्मिक ट्विन असल में कुछ भी हो सकता है। वो शायद इंसान भी ना हो, हो सकता है वो एक एनर्जी का गोला हो, या एक पेड़, या एक जानवर हो। लेकिन इन सारे कॉस्मिक ट्विन्स के साथ एक दूसरे यूनिवर्स भी होंगे जो उनके फैसलों की वजह से बनते जाएंगे। इन्हें डॉटर यूनिवर्स कहते हैं। इसके पीछे की एक थ्योरी है कि हर फैसला जो आप लेते हैं उससे एक अलग यूनिवर्स बन सकता है जिसके रिजल्ट भी अलग अलग होंगे। मान लेते हैं कि दो यूनिवर्स है और उन दोनों यूनिवर्स में आप चलकर काम पे जा रहे हैं और आपके पास जाने के लिए दो रास्ते हैं। आपको थोड़ी थकान महसूस हो रही है तो एक यूनिवर्स में आपने एक शॉर्टकट रास्ता लिया और आप वक्त पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में आपका कॉस्मिक ट्विन लंबे रास्ते से जाता है और उसे जमीन पर 10 रुपए पड़े मिलते हैं और वो उस 10 रुपए से एक लॉटरी का टिकट खरीदता है और अब वो करोड़पति है। तो कहीं ना कहीं आपका एक वर्जन है जो आपसे बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहा है। कितनी दिलचस्प बात है ना। आपने आज तक जो भी फैसले लिए हैं, मुमकिन है कि उससे कोई और यूनिवर्स भी बने हो जहां एक बिल्कुल ही अलग वर्जन हो। अब सवाल आता है कि क्या आप दूसरे यूनिवर्स में रहने वाले अपने किसी वर्जन से मिल सकेंगे? थ्योरी के हिसाब से हाँ, आपको बस सही दूरी तक जाना होगा और वहां जाने का कोई तरीका भी ढूंढना होगा। फिजिसिस्ट की थ्योरी के मुताबिक आपको एक वॉर्म होल में बैठना होगा और कम से कम एक गूगल प्लेक्स लाइट ईयर दूर तक का सफर तय करना होगा।
एक गूगलप्लेक्स का मतलब है कि एक के आगे 100 जीरोस लगे हों। तो ये एक लंबा सफर होने वाला है। बदकिस्मती से शायद आप अपने कॉस्मिक ट्विन से मिल ना पाए, कम से कम इस यूनिवर्स में तो नहीं। लेकिन कौन जानता है, शायद एक यूनिवर्स ऐसा भी हो जहां वॉर्म होल्स उतनी ही आसानी से मिल जाते हैं जितनी आसानियों से गाड़ी मिलती है, और आप इनमें बैठकर कहीं भी जा सकते हो। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।